नमः शिवाय। आप सभी को माता महालक्ष्मी का महापर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आपको धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं आपके मन मुताबिक प्रदान करें और आरोग्यता वर्ष पर्यंत बनी रहे। आज माता महालक्ष्मी के पूजन हवन दीपदान इत्यादि का सबसे शुभ मुहूर्त शाम का, जिसमें वृषभ लग्न और प्रदोष काल दोनों की युति बन रही है। यह उपयुक्त समय स्थिर लग्न वाला जो कि वृषभ लग्न का है, शाम 5:59 से 7:53 तक का है। इस दौरान पूजा जप हवन अनुष्ठान दीपदान इत्यादि करने से महालक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहती है। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर गन्ने का रस दूध शहद से अभिषेक करें, कपूर की आरती करें और घर चले आएं। ऐसा करने से वर्ष पर्यंत धन की कमी नहीं होगी और आरोग्यता पूरे वर्ष बनी रहेगी। आज यदि आपके घर या प्रतिष्ठान पर किन्नर न्योक्षावर मांगने आएं तो श्रद्धानुसार उन्हें उचित उपहार दें और जब जाने लगें तो उनसे प्रसाद स्वरूप एक सिक्का अवश्य मांग लें और उसे सादर अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में स्थापित करें। महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आज के दिन किसी ज़रूरतमंद को नया झाड़ू भी दान करना चाहिए या किसी मंदिर में सुगंधित द्रव्यों का दान करने से शुभता प्राप्त होती है। कार्तिक मास बुधवार अमावस्या तिथि रात्रि 9:32 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में पूरे दिन और शाम 7:26 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर बुद्धिमान धार्मिक लोकप्रिय सफल व्यापारी और वैभवशाली होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील दयालु न्यायप्रिय रुक रुक कर बोलने वाले पूर्वानुमान लगाने में कुशल विलक्षण स्मरण शक्ति वाले तर्क करने की शक्ति से युक्त मानवतापूर्ण कार्यों में लगे रहने वाले दोहरे व्यवसाय में प्रवीण और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा राहु व शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा की युति सूर्य और शुक्र के साथ तुला राशि में ही बनी रहेगी, मगर नक्षत्र पूरे दिन राहु का कायम रहेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में मनोबल बना रहेगा, रचनात्मक क्रियाशीलता साथ देगी, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, कार्य की अधिकता लगी रहेगी मगर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। साथ ही सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है, सावधानी अपेक्षित है। मगर शाम 7:26 के बाद नक्षत्र बृहस्पति का प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सकारात्मक कार्यों के सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा, निर्णय लेने में सुधार होगा और अंततः सफल महसूस करेंगे। मेष राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे, हर काम आसानी से संपन्न होंगे, मगर शाम तक कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। निजी सुख संतुष्टि में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है, सावधानी अपेक्षित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें मगर वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सचेत रहना चाहिए। सूर्य शुक्र और चंद्रमा तीनों छठे भाव में चल रहे हैं, नकारात्मक विचार संभावित हैं और मन में अनाप शनाप दुश्चिंताएं आती रहेंगी। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी, निजी निवेश में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी, अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य होगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें।
मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। सूर्य शुक्र और चंद्रमा की युति पांचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर उचित निर्णय लेना चाहिए। जोखिम वाले आर्थिक निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें। वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा शाम तक बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी। सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। चंद्रमा पराक्रम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोधियों से सावधानी और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल विकसित होगी। चंद्रमा दूसरे भाव में चल रहे हैं। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सकारात्मक पहल सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें, मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय लेने से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ, अतिरिक्त जिम्मेदारी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च, निजी निवेश और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। चंद्रमा व्यय भाव में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में बहुप्रतीक्षित काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें। धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे, मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी आवश्यक है। वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित है।
मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा। चंद्रमा दसवें घर में राहु के नक्षत्र में है। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएँ हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे, मगर संतान संबंधी चिंता खत्म होगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। निजी रिश्तों में सुधार और साझेदारी में लाभ संभावित है, मगर वाहन सावधानी से चलाएं और कार्य क्षेत्र में आर्थिक सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है, मगर विरोधी परास्त रहेंगे और आत्मविश्वास में कमी, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप और विवाद की संभावना भी बनती है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति, बुध और चंद्रमा की युति कई क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव भी संभावित है। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।